राजधानी रांची की गगनचुंबी इमारतों और यांत्रिक कोलाहल से करीब 40 किलोमीटर दूर इस वक्त हम जिस जगह पर खड़े हैं वो जगह है ब्राम्बे। ब्राम्बे खेती बाड़ी के लिए झारखंड का एक जाना पहचाना नाम। झारखंड, जिसे जंगलों का प्रदेश नाम से जाना जाता है, वहाँ एक ऐसी जगह छुपी हुई है जिसे हम मिनी लंदन ऑफ इंडिया कहते हैं। हालांकि इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी इंटरेस्टिंग है, मगर बहुत से लोगों को इस जगह के बारे में नहीं पता है। इसीलिए दूरदर्शन रांची की टीम आज निकल चली है आपको मैक्लूस्कीगंज की सैर कराने के लिए, और हम चाहेंगे कि इस सफर में जितने भी सुंदर नज़ारे हमें देखने को मिले, हमारे साथ साथ आप भी उन नज़ारों का आनंद उठा सकें। थोड़ा आगे एक जगह है बीजूपाड़ा। ये जगह प्रसिद्ध है एक खास मिठाई के लिए, नाम है लोढ़ा मिठाई। वाकई ये मिठाई बहुत ही टेस्टी है। यहाँ थोड़ी देर रुककर हम आगे बढ़े नकटा पहाड़ की तरफ। बीजूपाड़ा से निकलकर अब हम पहुंच चुके हैं मैगजीन। सीधा जो ये रास्ता जाती है ये पहुंचाती है हमें मैक्लूस्कीगंज, और यहाँ से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हम पहुंचते हैं नागेश्वर धाम और नकटा पहाड़। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं नकटा पहाड़ और नागेश्वर धाम के। मुख्य सड़क से कुछ अंदर जाने पर यहाँ नागेश्वर लिंग का एक गुफानुमा मंदिर है। यहाँ की आबादी काफी विरल है। अंग्रेजी वर्ष के दूसरे दिन यहाँ मेला लगता है। यह नकटा पहाड़ की तलहटी है। पेड़ों और चट्टानों के बीच से नकटा पहाड़ के ऊपर सैलानी पहुंचते हैं, लेकिन रास्ता चढ़ाई की दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। झारखंड में भी ट्रैकिंग के काफी सारे ऑप्शंस हैं, उसमें से नकटा पहाड़ भी एक है। जो ऐसे लोग हैं जिन्हें एक्सप्लोर करना काफी पसंद है, वो डेफिनेटली इस जगह को ट्राई कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि अभी चढ़ाई तो काफी बाकी है, तो चलिए आनंद उठाते हैं हमारे साथ। ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म के शौकीन सैलानियों के लिए ये एक अच्छा पड़ाव है। नकटा पहाड़ के ऊपर का दृश्य बेहद खूबसूरत है। इन तमाम पड़ावों को पार करते हुए हम अपनी मंजिल तक पहुंचे हैं। जैसा कि हमने आपको कहा ही था कि जो व्यू होगी वो वर्थ इट होगी, और हमें इतना अच्छा लगा यहाँ का व्यू। जितनी भी हमने ट्रैकिंग में जितनी भी मुश्किलें हमें मिली थी वो सारी हम बिल्कुल भूल चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आते हैं वो भी इस जगह का आनंद उठा सकते हैं, यहाँ ट्रैकिंग करने आ सकते हैं। मेरा ये सेकेंड टाइम है नकटा पहाड़ में, और चढ़ाई लाइक थोड़ा डिफिकल्ट है, हाफ एन आवर लगता है। अगर आप रुक रुक के जाओगे तो लाइक वन आवर लग जाएगा। और यहाँ पे पानी वानी का सुविधा लाइक नहीं है, तो आप पहले से प्रिपेयर होके आओगे, अपने लिए लेके आओगे तो बेटर रहेगा। यहाँ पास बस सीन अच्छा है, बाकी जगह पे जैसे पानी हो गया, रास्ता अच्छा, इधर का बस सीन अच्छा है, ठीक है। ऊपर से ना पूरा व्यू दिखता है, बस एक वही चीज़ अच्छा है। ये मेरा सेकेंड टाइम था यहाँ नकटा पहाड़ में, और मतलब थोड़ा सा चढ़ाई हार्ड है,
चढ़ना थोड़ा हार्ड है, टाइम भी ज्यादा लगता है, पर ऊपर पहुंचने के बाद वर्थ इट होता है। राजधानी रांची से करीब 65 किलोमीटर उत्तर पश्चिम की दिशा में एक कस्बा है। एक ऐसा कस्बा जहां की प्रकृति तो झारखंड के अन्य गांव गिराओं जैसी ही है, लेकिन संस्कृति बिल्कुल अलग है। जहां झारखंड के अन्य गांव कस्बों में खपरेल घर, घर आंगन में बंधी बैलों की जोड़ी, घरों में उकेरी चित्रकारी और सादगी भरी जिंदगी दिखाई पड़ती है, वहीं इस कस्बे में विक्टोरियन स्टाइल के बंगले, आंगन में फल के बगीचे और अंग्रेजी जीवन शैली की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। इस कस्बे का नाम है मैक्लुस्कीगंज। नाम और संस्कृति दोनों ही दृष्टि से झारखंड के अन्य गांवों से इसकी पहचान अलहदा है। इसे गोरों का गांव और झारखंड का लंदन भी कहा जाता है। इतिहास के पन्नों को खंगालने पर पता चलता है कि चामा, राम दागादो, केदल, टूली, कोनका, मालापुर, हिसाल और लपरा जैसे सुदूर गांवों का यह क्षेत्र कभी झारखंड के प्रतापी नागवंशी राजाओं की रियासत का हिस्सा था। अंग्रेज व्यवसायी अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की को यहाँ की प्रकृति प्रिय थी और तत्कालीन रातु महाराज के मैनेजर पेपे का आतिथ्य भी। मैक्लुस्की ने तत्कालीन रातु महाराज से कुछ शर्तों के साथ यहाँ 99,999 एकड़ जमीन लीज पर ली। वर्ष था 1932। वर्ष 1933 में मैक्लुस्की ने कॉलोनाइजेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की, जिसके तहत उन्होंने करीब 20,000 एंग्लो इंडियंस को यहां बसने के लिए आमंत्रित किया। आगामी 10 वर्षों में यहां तकरीबन 400 एंग्लो इंडियन परिवारों ने बसने का निर्णय लिया। मैक्लुस्कीगंज को ईटी मैक्लुस्की ने बसाया था। 1933 से पूर्व भी ईटी मैक्लुस्कीगंज आया करते थे। जब वो रातु महाराजा के यहाँ कार्यरत उनके अभिन्न मित्र मिस्टर पेपे के यहाँ आते थे तो यहाँ पर शिकार खेलने के व्यू से आते थे। उस दौरान उनको यहाँ का वातावरण इतना भाया कि उन्होंने सोचा कि अपने समुदाय के लोगों को बसा करके यहाँ पर एक गांव बसाया जाए। उसी के नाम पे जो है सो मैक्लुस्कीगंज का 9,999 एकड़ के एरिया में जो है सो मैक्लुस्कीगंज को बसाया गया। पहले ये क्षेत्र लपरा के नाम से जाना जाता था। कभी अंग्रेजों ने यहाँ हिल टाउन रिसोर्ट बनवाया था। अब ये भवन जर्जर हो चुका है, लेकिन ईटी मैक्लुस्की के द्वारा स्थापित कॉलोनाइजेशन सोसाइटी की स्थापना की साक्षी आज भी यहाँ विद्यमान है। प्राकृतिक सौंदर्य से घिरे इस क्षेत्र को देश के अन्य हिस्सों से जुड़ने का साधन था लपरा स्टेशन। एक छोटा सा रेलवे स्टेशन जो देश के कई हिस्सों को जोड़ता है। किसी यायावर की डायरी में वर्णित स्टेशन की तरह था लपरा रेलवे स्टेशन, लेकिन अब यह बदला है। अर्नेस्ट टिमोथी मैक्लुस्की के नाम पर यह स्टेशन अब रेलवे के मानचित्र पर मैक्लुस्कीगंज स्टेशन के नाम से जाना जाता है। नई इमारत बनी है जो यात्रियों को अब ज्यादा सुविधा प्रदान करेगी। तो अब हम मैक्लुस्कीगंज रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, जिसे पहले लपरा रेलवे स्टेशन नाम से जाना जाता था, मगर ईटी मैक्लुस्की की डेथ के बाद इसे उन्हें सम्मानित करने के लिए इस स्टेशन का नाम बदल कर मैक्लुस्कीगंज रेलवे स्टेशन रख दिया गया। आज जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं तो वो इसी रेलवे स्टेशन को चुनते हैं। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं एक ट्रेन पार हो रही है, वैसे ही कई सारे ट्रेन टूरिस्ट के लिए अवेलेबल है, जिससे वो मैक्लुस्कीगंज आकर घूम सकते हैं। करीब एक सदी पहले यहाँ अनेकों एंग्लो इंडियन परिवार आए और बसे। गंज में एक अलग संस्कृति, भाषा और जीवन शैली पल्लवित पोषित हुई। यहाँ आम, अमरूद, सखुआ, महुआ, कदम करंज के पेड़ हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं और नदियां हैं। यहाँ हर ऋतु एक नया रंग लेकर आती है। हालांकि यहाँ के वातावरण में अब बदलाव आया है। '32-'33 के बाद यहाँ के क्लाइमेट को देख के और यहाँ एंग्लो इंडियन ने इस जगह को अपने परिवारों के लिए बसाने का निर्णय लिया। उस समय
लोग कहते हैं कि मैक्लुस्कीगंज का जो तापमान था वो लंदन के तापमान के बराबर था। अभी भी हम जाड़ों में अनुभव करते हैं कि यहाँ का तापमान बहुत नीचे चला जाता है। इसको देखते हुए सरकार ने मैक्लुस्कीगंज को एक टूरिस्ट स्पॉट के रूप में भी घोषित किया है। मैक्लुस्कीगंज की एक खास विशेषता है यहाँ का सर्वधर्म स्थल। एक ही परिसर में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च है। ये भारत की सांझी संस्कृति और सर्वधर्म संभाव की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति है। अब हम सर्वधर्म स्थल पहुंच चुके हैं। यहाँ सारे धर्मों को एक साथ स्थान दिया गया है। मेरे लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं कि एक चर्च और एक गुरुद्वारा है। मेरे ठीक पीछे एक राधे कृष्ण का मंदिर है और मेरे राइट साइड में एक मस्जिद है। ब्रिटिशर्स की कोशिश रही है कि सभी धर्मों को एक साथ सम्मानित किया जाए। इंडिया में कई सारे धर्मों के लोग रहते हैं और उसे भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है सर्वधर्म स्थल। तो आइए हमारे साथ दर्शन करते हैं यहाँ के मंदिर और मस्जिद का। यही एक पुराना बरगद का पेड़ है। ये पेड़ आस्था और विश्वास के साथ साथ गंज के इतिहास और वर्तमान का साक्षी भी है। मतलब एक जगह सब धर्म स्थल रहेगा तो सब आदमी आके यहाँ पर मिलनसार होगा। जैसे रेलवे स्टेशन में आदमी जाता है, कोई बाजार मेले में जाता है तो सबको मिलन होता है। उस प्रकार के यहाँ चारों धर्म को अंग्रेज लोग वो सोचकर बनाया था कि चारों एक जगह रहेगा तो सबका मिलन होगा। सब जाति के लोग यहाँ पर आएंगे और सब अपने अपने धर्म करके चले जाएंगे। सर्व धर्म स्थल से करीब 100 मीटर की दूरी पर है सीताकुंड। सीताकुंड एक ऐसा जल स्रोत है जिसका पानी कभी सूखता नहीं। अब हम यहाँ सीताकुंड आ चुके हैं, जो कि सर्वधर्म स्थल के बिल्कुल सामने ही है। ये कुंड सदियों से है और माना जाता है कि ये कुंड कभी सूखती नहीं है। सालों साल ये तालाब सूख जाती है इसके सामने की, मगर ये कुंड कभी सूखती नहीं है। यहाँ दो चर्च हैं, एंग्लोइक चर्च और कैथोलिक चर्च। स्थानीय ईसाई धर्मावलंबियों के लिए ये आस्था केंद्र है। जिस चर्च में हम आ चुके हैं उसे सेक्रेट हार्ट चर्च कहा जाता है। ये यहाँ के कैथोलिक समुदाय के द्वारा बनाया गया है। अगर आप इस चर्च को देखते हैं तो ये वाकई में काफ़ी खूबसूरत भी है। इंग्लैंड की जो म्यूरल पेंटिंग्स है वो यहाँ रखी गई है, एवं इंग्लैंड से लाए गए फर्नीचर भी अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। एंग्लो इंडियन की संख्या कम होने लगी क्योंकि वो लोग यहाँ से माइग्रेट होकर कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड चले गए। अभी यहाँ पर जो लोकल है वो पास के धर्म प्रांत से हैं, जैसे गुमला, शिमलेगा, ज़्यादातर गुमला से हैं। तो लगभग 100 परिवार हैं यहाँ पर इस पल्ली में, और ज़्यादातर लोकल्स हैं। अभी एंग्लो इंडियंस 10 या 11 परिवार बचे हुए हैं। मैक्लुस्कीगंज की प्राकृतिक सुंदरता और आबो हवा ने बंगाल के सैलानियों और सेलिब्रिटीज को काफी आकर्षित किया है। यहाँ फिल्म अभिनेत्री अपर्णा सेन का बंगला है। गंज से फिल्म अभिनेत्री कोंकणा सेन की बचपन की यादें जुड़ी हैं। कोंकणा ने बतौर निर्देशक अपनी फिल्म अ डेथ इन गंज की शूटिंग यहीं की थी। आज भी बंगाल से सैलानी यहाँ आते हैं। रांची पहुंचने के बाद रांची 3 दिन स्टे किए, उसका बाद आपको नेताराज में 2 नाइट स्टे किए, 2 नाइट बेतला में, अभी 1 नाइट मैक्लुस्कीगंज होके अभी निकलेंगे, पतरातु वैली होके रांची पहुंचेंगे। आज रात में ट्रेन है। मैं कारमंडल इज वेरी मच अट्रैक्टिंग टू मी, नाउ आई विजिट सम लोकल प्लेसेस, मेनली बाजार, मार्केट प्लेसेस, सम चर्चेस इफ देयर इज एनी, बिकॉज आई लाइक फोटोग्राफी द पीपल एंड द स्टेशन इटसेल्फ, बिकॉज इट इज अ वेरी ओल्ड वन एंड इट इज अ रांची विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त वॉलीबॉल कोच श्री शेखर बोस का यहाँ से खास लगाव रहा है। वो बताते हैं,
पहला बार जब आए वो मैकलूसगंज और अभी के मैकलूसगंज में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। उस समय यहाँ सिर्फ साइकिल चलते थे, लोग पैदल चलते थे, और अभी स्कूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, एवरीथिंग इज़ रनिंग। लेकिन ये एक गुड साइन है कि कोई जगह का डेवलपमेंट का, इसमें भी हम लोग खुश है कि यहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है। रोड हो गया, लाइट हो गया, इस सब का भी डेवलपमेंट हो चुका है और काफ़ी लोग यहाँ पर जो बस रहे हैं, हम लोग चाहे हमारे जितना मैकलूसगंज के भाई लोग हैं, वी आर हैप्पी कि एक मैकलूसगंज धीरे 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 ग्रोथ कर रहा है और एक अच्छा शेप ले लिया। पहले भी अच्छा था लेकिन उसका नज़ारा दूसरा था, अभी का नज़ारा दूसरा है। यहाँ सैलानियों को डेगा डेगी नदी भी आकर्षित करती है। ये पहाड़ और वनों की नदी है। ये नदी पहाड़ की चट्टानों पर उछलती है, सघन वन में खो जाती है, बालू और कंकड़ के रास्ते पर सैर करती है। मैकलूसगंज दामोदर नद का भी बहाव क्षेत्र है। जब पहाड़ पर बादल खूब गरजते हैं और बरसते हैं तब यह नद अपनी शयन भूमि से उठकर जाग जाता है। बरसात में दामोदर आगे चलकर विकराल हो जाता है। बंगाल का शोक कहा जाने वाला दामोदर ने गंज को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने यहां बहुत कुछ बदल दिया। एंग्लो इंडियंस के करीब 300 से अधिक परिवारों में से मात्र 20 ही परिवार अब यहां रहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज अपने मुल्क लौट गए। रोजगार की तलाश में पीढ़ियां बाहर निकलती चली गईं। बुजुर्ग खत्म होते गए, मकानों का स्वामित्व बदलता गया। सारा दृश्य केटी टेक्सर, जिसे स्थानीय लोग किटी मेम साहब कहते हैं, की आंखों में तैर जाती है। फाउंडर था ईटी मैकलस की, अच्छा लगा था वो, उसको काहे मिनी इंग्लैंड बनाने चाह रहा था, तो जगह जगह देख रहा था, इस जगह उसको अच्छा लगा। उस टाइम लपरा था ये, तो ईटी मैकलस की आने के बाद में स्टेशन बना मैकलूसगंज, नहीं तो पहले तो लपरा था। केटी अब तकरीबन 70 वर्ष की हो चली हैं। जीवन यापन के लिए मैकलूसगंज रेलवे स्टेशन में फल बेचती हैं। गंज की बदलती तस्वीर की पूरी कहानी उनकी स्मृतियों में कैद है। स्टेशन में बहुत स्टीम इंजन था, तो खूब फल बेचते थे, खूब अच्छा कमाई होता था। और जब डीजल इंजन आया तो वो उतना भी खराब नहीं था, ठीक था कुछ, कहे कि वो लोग हम लोग को ड्राइवर लोग सब जान पहचान का था, तो 5 मिनट देता था टाइम हम लोग को बेचने के लिए, तो अच्छा बिक्री था उस टाइम भी। ये इलेक्ट्रिक इंजन आया तो ख़त्म हो गया, तो हम लोग बाहर जाते थे बेचने। बॉबी गार्टन ने यहाँ रहने वाले एंग्लो इंडियंस के इतिहास को संजो कर रखा है। मैकलूसगंज की विरासत की थाती है उनके पास। '40s में तो काफ़ी चहल पहल यहाँ हुआ करती थी, काफ़ी एंग्लो इंडियन हुआ करते थे, लगभग 350-400 फैमिलीज हुआ करते थे, बहुत बंगलोज वगैरह हुआ करता था, और सब कोई गेट टुगेदर भी होते थे, क्रिसमस वगैरह में मिलते थे। अब तो काफ़ी कम एंग्लो इंडियन बचे हुए हैं, हमारे ख्याल से 17-18-20 फैमिलीज के आसपास होंगे बचे हुए हैं। गार्डन की एक एक यादें इन तस्वीरों के साथ जुड़ी हुई हैं। स्मृतियों को साझा करते हुए बॉबी बताते हैं, तो काफ़ी कम एंग्लो इंडियन बचे हुए हैं, हमारे ख्याल से 17-18-20 फैमिलीज के आसपास होंगे बचे हुए हैं। 1940s के आसपास, 50s के आसपास लोग रांची से मैकलूसगंज शॉपिंग करने आया करते थे। यहाँ का ब्रेड बहुत फेमस होता था, मिसेस कार्नी का ब्रेड बनता था, जो लोग ब्रेड खाने के शौकीनदार होते थे रांची में, वो लोग यहाँ आते थे ब्रेड खरीदने। जिसको लीकर का शौक होता था वो मैकलूसगंज में वो सब सामान मिलता था पहले, जो कलकत्ता के न्यू मार्केट में मिलता था। दीपक राणा ने वर्षों पुराने विक्टोरियन स्टाइल के बंगले और बगीचे को संभाल कर रखा है। एंटीक चीजों को सलीके से सजा कर रखा है दीपक राणा ने। आए थे 1978-79 में, ठीक है ना, बसने के लिए आए थे माँ के साथ, और
जब पूरा जंगल था उस टाइम में, कम्युनिकेशन बोल के कोई खास था नहीं। उसके बाद आपका जो है 3-4 साल के बाद ही मैं थोड़ा सा हम लोग नए नए आए हुए थे, किसी की जान पहचान तो था नहीं, तो बाद में सिस्टर के शादियाँ में ही कर पाए थे जंगली में करा के। फिर आपका जान पहचान हुए, बच्चे लोगों से कम्युनिकेशन हुआ, परिवार एंग्लो इंडियन का बोलने से तो कोई हमारे टाइम में तो था करीब करीब 35-40 स्कूल था एंग्लो इंडियन, बट जिसमें से दो परिवार से हम लोग ज़्यादा घनिष्ठ रिश्ता था क्योंकि हम लोग मिलनसार थे, इंडियन लोगों से मिलते थे। बाकी वक्त थोड़ा सा अभी भी देखेंगे आप इन लोगों का थोड़ा कम्युनिटी जो है अलग रहते हैं। ये सच है कि पिछले 3-4 दशकों में मैक्लूस्कीगंज की स्थिति काफी खराब रही। रोजगार की तलाश में लोग बाहर जाने लगे, शाम होते ही सन्नाटा पसरने लगा, नक्सलियों का दबदबा रहा, विक्टोरियन शैली के बंगले रख रखाव के अभाव में रौनकहीन हो गए, छप्पर के मुंधने टूटने लगे, फलों के बगीचे झाड़ियों में तब्दील होने लगे, शाम होते ही सन्नाटा छाने लगा, सांसों में घुटन सी महसूस होने लगी, घरों की पुताई पर पपड़ियां जमने लगी, मैक्लूस्कीगंज का भविष्य फटी पतंग सा झूलने लगा। लेकिन अब गंज बदल रहा है। वर्ष 1997 में तत्कालीन बिहार विधानसभा के मनोनीत एंग्लो इंडियन विधायक अल्फ्रेड डी रोजारियो ने यहां डॉन बॉस्को एकेडमी की एक शाखा खोली। यहां शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दराज से विद्यार्थी आने लगे। अब हम पहुंच चुके हैं डॉन बॉस्को स्कूल, जो कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है और यहाँ 10वीं तक की पढ़ाई की जाती है। इस स्कूल को बनाने के पीछे का मुख्य उद्देश्य ये था कि यहाँ की जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसे रोजगार मिल सके और उनके बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिल सके। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं डॉन बॉस्को स्कूल। स्थानीय और दूसरी जगहों से आने वाले बच्चों के शैक्षिक ही नहीं बल्कि सर्वांगीण विकास पर भी बल दिया गया। बतौर शिक्षक एंग्लो इंडियन परिवार के लोग इससे जुड़े हैं। एक ही मात्र एम था मैक्लूस्कीगंज का ऑलराउंड डेवलपमेंट, और उनका विश्वास था क्वालिटी एजुकेशन के थ्रू जो है ये डेवलपमेंट वो ला सकते हैं। और ये 25 साल में हम लोग अभी 25 साल कम्प्लीट किया, सिल्वर जुबली हाल ही में मनाया। ये 25 साल में ये जो सपना उनका था, मिस्टर रोजारियो का सपना था, मीन्स मैक्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम लोग इसको फुलफिल किया है। पहले तो कुछ था नहीं, मरा हुआ था ये जगह। जब से रिजिनो सर और माइकल सर ये स्कूल खोला है तो तब से तो बहुत चेंज हुआ है। Been working here since 1999. I've joined the school in the month of July, and at that time Mukluskiganj was in a very pathetic state. There were no electricity, the roads were very bad, there were a lot of ditches, and over the time our founder director Mr. Alfred George D. Rosario, he was the MLA at that time when he had established the school. Ever since then, the school as well as Mukluskiganj has made a tremendous progress, not only in the academic field but also in the lives of the people. Their livelihood has also improved tremendously. ये रोजगार का साधन भी बना। बहुत सारे स्थानीय लोग यहाँ अपने बंगलों में हॉस्टल चलाकर भी जीविका उपार्जन करते हैं। वातावरण बहुत ही साफ है और यहाँ का पानी सबसे बेस्ट है, क्योंकि सोसाइटी वाले लोग जब यहाँ पे पहले एंग्लो इंडियन वाला बसाना चाहते थे तो यहाँ से वो लोग पानी इंग्लैंड भेज दिए थे टेस्ट करने के लिए, तो उन लोग को पता चला कि ये सबसे बेहतरीन जगह है, इसलिए उन्होंने इस जगह को सिलेक्ट किया यहाँ एंग्लो इंडियंस बसाने के लिए।
तो तभी से हम लोग यहीं पे हैं और हम लोग को ये जगह बहुत अच्छा भी लगता है। और जब से डॉन बॉस्को स्कूल यहाँ पे आया तो रोज़गार सबके लिए वही एक माध्यम है रोज़गार का जो हम लोग को यहाँ पे मिला है। एंड जैसा मैंने ये जगह देखा है पिछले कुछ सालों में काफ़ी डेवलप हुआ है। पहले जैसा मैंने सुना है अपने बड़े बुजुर्गों से यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन अब अगर पिछले कुछ ईयर्स में देखें तो काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आई हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो रोज़गार हो, चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड्स में हो, इलेक्ट्रिसिटी, पानी वगैरह वगैरह काफ़ी सब डेवलप हुआ है। करीब 15 साल से मैं यहाँ पर हूँ। बेसिकली यहाँ पर है कि जॉब फैसिलिटीज़ अच्छा है बिकॉज ऑफ द स्कूल डॉन बॉस्को, और यहाँ पर क्लाइमेट वाइज ऑल्सो दिस प्लेस इज़ क्वाइट नाइस। एंड यहाँ पे लोग आना पसंद करते हैं क्योंकि छुट्टियाँ जो हैं बहुत पीसफुली, बहुत एनवायरनमेंट जो है बहुत प्योर हो जाता है, फ्रेश हो जाता है, लोग यहाँ बसना पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दुनिया के इकलौते एंग्लो इंडियन कस्बे में अब रौनक लौटने लगी है। अब यहाँ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर खुला है, बाजार में चहल पहल दिखती है, रोजगार के अवसर बढ़ने लगे हैं। कभी गंज को आबाद हुए देखने वाले लोग अब सेमेट्री में मौन पड़े हैं, लेकिन इसे बदलते देख उनकी आत्मा को भी खुशी मिल रही होगी। आज की तारीख में यहाँ की विक्टोरियन शैली के बंगले, फलों के बगीचे, छोटी छोटी पहाड़ियां, डेगा डेगी नदी की उछल कूद और दामोदर का विशाल प्रवाह क्षेत्र, वन जंगल और यहाँ के लोगों का आतिथ्य बाहें फैलाकर सैलानियों को आमंत्रित कर रहा है। कभी यहाँ का आकाश विपत्तियों के मेघों का चादर ओढ़े चुप था, लेकिन गंज एक बार फिर गुलजार हो रहा है। आतंक, भय और अशांति के दौर से निकलकर शांति, शिक्षा और रोजगार मुहैया कराने की दिशा में बढ़ रहा है अब मैक्लुस्की गंज। अगर आप शहर के चहल पहल से दूर कुछ दिनों के लिए प्रकृति के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो मैक्लुस्की गंज आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। हमारे लिए यह सफर काफी रोमांचक रहा और हम आशा करते हैं कि आपको भी हमारे साथ इस सफर में जुड़ के उतना ही आनंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे आपसे झारखंड की ऐसे ही किसी अद्भुत स्थल पर। तब तक के लिए नमस्कार।